मेरा नाम है ज़ुहैब अली, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खान दस्तरखान। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के छोटे पिशावर यानी कराची का बनारस, और यहाँ के जो है ना फेमस चार सद्दा के जो है ना यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह एक समझे कि मैं तो बोलता हूँ इनविजिबल डील डिश है पूरे कराची के अंदर, ये आपको सिर्फ बनारस में मिलेगी। और ये सामने चप्पल मार्केट है और पुल के नीचे हम खड़े हुए हैं, और देखें भाई यहाँ का ओवरव्यू ले लें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जो है ना एटमॉस्फेयर है इधर। तो चलें देखते हैं इधर भाई के पास क्या है। भाई दिखाएं ज़रा, उमर भाई दिखाएं ज़रा थोड़ा यार, नज़ारे तो कराओ इसके, क्या चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन यार, क्या ही बात है यार। ये तो सुबह छोट हो गया, किस टाइम लगाया था? सुबह 10 बजे लगाया था। सुबह 10 बजे लगाते हैं, तो ये दिन मखसूस है, कोई दिन मखसूस है? नहीं नहीं, या आप रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। तो यार दोस्त ये बताओ, हमारे लिए लगा दो दो फर्स्ट क्लास सी, ठीक है, टेस्ट करेंगे भाई, ओवरव्यू लेंगे, आपको बताते हैं किस तरह की डिश है। लगाओ भाई, क्या ही बात है यार। यार ये इतना खिचड़ी जैसे हैं, ये क्या है, इसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है? गाँव का है ये खास, गाँव का है ये, चार सदे का है, वहाँ से आता है, इसमें गोश्त है जो खिचड़ी जन तक आ गया आपको। अच्छा, ये सारा गोश्त है भाई? गोश्त है, पिघला हुआ है सारा। क्या ही बात है यार, बिल्कुल ऐसा ही है यार। ये आपको सिर्फ 4 सदा में मिलेगा। अगर कराची में खाना है ना, यकीन करें आए बनारस के पुल के नीचे, अपने मज़े। और शशके देखे इधर पठानों के, क्या ही बात है पठानों के, लग गए बेटा, लग गए दो, रख दो टेस्टर के हैं इंशाल्लाह। चटनी नहीं डालो, चटनी डलवाना उमर भाई, एक मिनट मेरे भी नहीं डालो, बस रख दो, क्या ही बात है। अच्छा ये आपका यहाँ हिसाब किताब? 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए, तो 3 साल में यहाँ माशाल्लाह से काम बेहतरीन है आपका। हमने खुद सुना है भाई, इनके बारे में सुना है, तो हम इनके पास आए। तो ये बताएं कि आप खुद, आपका कारोबार है या वालिद वगैरह का? ये हम सब आप भाई है सारे, एक जैसे सब काम एक ही है, सब भाई है, सब भाई आपस में करते हैं। जी बिल्कुल। तो तैयारी कब शुरू करते हो इसकी? इसकी तैयारी ये बस गोश्त चलते हैं, इसकी शाम से गोश्त पकाते हैं सुबह तक, सुबह से फिर बाद में ही तैयारी शुरू हो जाती है, 10 बजे तक देग हमारा तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत मेहनत है इसमें? मेहनत बहुत है इसमें बिल्कुल। अच्छा व्यूवर्स, ये कोई आसान डिश नहीं है, क्योंकि ये समझे कि ये 4 सदा वालों का हलीम है। और माशाल्लाह से टेस्ट करेंगे और व्यू जो है ना इंशाल्लाह। तो हमने तो दे दिया आपको, लोकेशन दो, हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम अपने जो है ना स्टार्टर देते हैं किस तरह का है, आए। ये समझे कि कराची वालों के लिए ये एक यूनिक डिश है, उर्दू स्पीकिंग भाई तो और 4 सदा की जो है ना फेमस डिश नहीं पहचानते होंगे, लेकिन ये है कि जो हमारे पठान हजरात हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि 4 सदा की इस डिश के जो है ना, ये जो डिश है इसकी, इसके जो है ना वाही बात ही क्या है। और हाँ, और उमर भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यार मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मैं 4 सदा से आ रहा था, 4 सदा में मैंने ये डिश खाई थी ना, तो मुझे ये नहीं लगता था कि ये, मैं समझ रहा था कि हलीम चावल है, लेकिन ये गोश्त चावल है, ये सारे गोश्त है इसमें, ये मेरा गोश्त है। अच्छा तो दोस्तों ये चम्मच हमारी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ अब इसको हम सीधा कर देते हैं। यार ये माशाल्लाह देखें भाई, रेशा देखें, ये सारा गोश है भाई, इसके अंदर चावल है, इसमें दरअसल ये मोटे चावल होते हैं और ये सिर्फ 4 सदा में पाए जाते हैं। और जितना मुझे मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ से जो है ना ये लाया जाता होगा और यहाँ पर जो है ना ये डिश प्रिपेयर की जाती होगी। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं माशाल्लाह से, देखते हैं टेस्ट करके, देखें क्या है इसका। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उमर भाई ने मेरे को कहा, रिकमेंड किया कि यार चलते हैं यहाँ पे। अच्छा उमर भाई देख लें माशाल्लाह से, स्टार्ट करते हैं इसको। अरे यार क्या मज़ेदार, क्या बात है यार। अच्छा व्यूअर्स, जब आप आएंगे और इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, मैं बोलता हूँ आप अपने भाई को दुआएँ देंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप यहीं भी रहते हैं, मिसाल के तौर पे आप रहते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहते हैं, तो आपको जो है ना बनारस करीबी है, आए विज़िट करें। ये देखें माशाल्लाह से, ये सेकंड बाइट है मेरा, बहुत ही बेहतरीन है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा उमर भाई आप क्या कहेंगे, रिव्यू देंगे इस बारे में? क्या और बिरयानी हो गई, ये हो गया, ये 4 सदा के चावल, ये तो मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं तो उस पर फिदा हूँ, समझ लो फिदा, बिल्कुल दिल से, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है भाई। आप चेक करते हैं, हम टेस्टर करते हैं, सही है, हम करेंगे इसको टेस्टर, माशाल्लाह देखें, ये देखिए सारा गोश ही गोश, ये देखें कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं ये खाता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम 4 सदा में खाया था ये,
अच्छा उमर भाई, ये इतना स्पाइसी भी नहीं है। हाँ स्पाइसी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने, बच्चे भी खा सकते हैं ये, बूढ़े भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, जिसके मुंह में दांत नहीं हो तो बिल्कुल हो तो आराम से खा लेंगे। हैं चले, अच्छा बूढ़े हजरात जो है दिल खोल के आ सकते हैं। हाँ दिल खोल के आ सकते हैं। चले व्यूअर्स, ये हम इंशाल्लाह जो है ना कस्टमर से भी और भी लेंगे। खुद तो हमने जो है ना टेस्ट किया, माशाल्लाह से बेहतरीन है यार, दम है दम। मुझे तो यार मेरे पसंद है, मैं तो कहता हूँ मेरे दिल से मुझे पसंद है। चले उमर भाई आइए भाई, हम अपनी डिश को ख़त्म करें, इसके बाद जो है ना आपसे बात करेंगे, रहा नहीं जा रहा है। अच्छा ये फूड जो ब्लॉगर होता है उसकी यही ये बेचारे का नुकसान है, उसका खाना भी ठंडा हो जाता है, चाय भी ठंडी हो जाती है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। माशाल्लाह से जो दो प्लेटी थी उसको तो हम सफाटा कर गए, मतलब सफा चट। अभी भाई दो पार्सल लगा रहे हैं हमारे भाई। दरअसल यहाँ आपको जो है ना, हमने यहाँ पे माशाल्लाह से खाया और आपको दिखाने का मकसद ये था कि चीज़ अच्छी थी और टेस्टी बहुत है सारा। तकरीबन थोड़ा जो बोलते हैं ना, हम पश्तों में बोलते हैं कि टो लगवा खादा, मतलब पूरा का पूरा जो है इसका मामला जो है ना सारा गोश्त से ताल्लुक़ रखता है। और बेहतरीन जायकेदार गोश्त है इसके अंदर। और ये चारसदे के मोटे चावल खिलाते हैं जो कि आपको पूरी कराची में सिर्फ बनारस में मिलेंगे। बनारस का जो पुल है जो बोडा ब्रिज से शुरू हुआ मेट्रो तक है, मेट्रो सिनेमा तक है, तो इंशाल्लाह आए विज़िट करें। सामने चप्पलों की मार्केट है और आप देखेंगे कि ये बनारस चुरंगी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी चुरंगी कहा जाता था। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।